वेलकम बैक. जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम कामरान से भी बात करेंगे कि इनकी शादी हुई थी तो उनकी क्या क्या रस्में हुई थी और क्या इख्तलाफ इनको लगता है, इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफात हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए. जी कामरान, आजकल के ज़माने में शादी एक बड़ा महंगा मामला हो गया जी, बहुत ही महंगा. मैं तो सोचता हूँ कि गरीब आदमी किस तरह शादी करे या वो क्या. ऑफकोर्स ये ज़िंदगी में एक पहला एक मौका बंदा सोचता है कि शादी अपनी बेटी की या अपनी बेटी की करे, लेकिन ये मेरे जहाँ तक मेरा है तो मेरा तो ये था कि मैं जी मेरी वाइफ का ताल्लुक इस्लामाबाद से है. अच्छा. तो मैं तो जी गया था, निकाह किया, ले आया कराची में, वलीमा किया. और इन्होंने वाइफ ने या मेरी ससुराल ने अपनी तरफ से वहीं अपने कर लिया था, अपने ही गैदरिंग एक अपना जो भी. हाँ. और उन्हें ज़्यादा शोशा नहीं ना. नहीं यार वो हालात नहीं रहे, हालात नहीं रहे. इसके अलावा वैसे भी मतलब डजंट आप वही मैं बात की करती हूँ, उससे बेहतर ये है कि जितना पैसे लगाते हैं, जैसे मैं लड़कियों को अक्सर कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम शादी से पहले कोई हज़ार जोड़े बना लेते हैं और वो मजाल है शादी. यानी वो मेरे वाइफ का ये था कि वो जो करीबी सारे जो रिश्तेदार सारे वो ये ऑफकोर्स जो होता है इन चीज़ें छोटी मोटी हल्की फुल्की घर में ही अपने आप ने कर ली, बस दैट्स इट. तो निकाह किया, अपने वलीमा किया और अल्लाह अल्लाह खैर से. तो अच्छा ये बताएं कि ये तो शादी की बात हुई, लव मैरिज हुई थी अरेंज नहीं जी. लव 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 कैसे हुई मोहब्बत भाभी जान से? अरे ये तो बहुत मैं दफा लोगों को बता चुका हूँ. नेट पे. और उस टाइम इन साहब ने मैं हम लोगों की शूटिंग साथ चल रही थी, नया नया इंटरनेट शुरू किया था, फेसबुक शुरू किया था और ऑर्किड शुरू किया था नया नया. और ये हम लोगों से पूछ भी रहा होता था यार अगर ये चीज़ होती है तो इसको किस तरह करेंगे. अच्छा और ये उस टाइम मुझे नहीं पता कुछ अरसे बाद में पता चला इनकी जो है वो नेट पे. अच्छा मतलब मिले ही. अच्छा ये बड़ा ट्रिकी होता है मेरा ख्याल में इंटरनेट पे. मैं तो कभी ना चैट पे होती हूं ना जिंदगी, बिकॉज मुझे लगता है कि फेक ही होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेक. तो ये आपका नसीब ही था, आपने क्या सोचा पता लगता बाद में. नसीब नसीब की बात है जी, ये इतना कहीं रिस्की भी होता है कहीं नहीं. बट यू नो ऑर्किड पे मिले, देन यू स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर. फिर मेरा जाना हुआ इस्लामाबाद काफी शादी से पहले प्लेस के शूट्स के हवाले से, तो उस तरह फिर वो चीजें बड़ी. हां सीरियसली ये तो पूरी इस पे डेली फिल्म वो है इतनी स्वीट. बट मैं वाला मेट है सीरियसली बहुत बढ़िया. व्हेन आई मेट हर शी इज अमेजिंग. तो फैमिली मान गई थी आराम से और उसकी भी और आपकी भी. पापड़ बेलने पड़े बहुत ज्यादा. नहीं पापड़ से मुराद के मैंने तो बता दिया कि जी ये है और मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव रही है कि नहीं जी. उनकी फैमिली को होता है ना इश्यू जैसे एक्टर्स को. अच्छा मेरी जो मेरा जो ससुराल है ना जी बहुत ही जिसको आप कहते हैं कि बहुत अच्छे बहुत ही यानी मेरी मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं सास हैं या मेरा ब्रदर इन लॉ है जो भी है, बहुत ही सीधे बहुत अच्छे बहुत ही अच्छी फैमिली की. यानी वो थोड़ा बचपन में कोई अच्छा काम किया. हाँ वो थोड़ा सा कि यार ये देख लो ये शो बिज का. लेकिन वो फिर देखिए जब वक्त गुजरता है ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर वो एक दूसरे की जानने से पता चलता है कि नहीं यार अब वो सास से मैं बात करता हूँ या मैं ब्रदर इन लॉ से अपने बात करता हूँ सिर्फ दो तीन दो ही दफा. अच्छा कभी ये हुआ था जैसे हमेशा बिकॉज आई एम श्योर यू लगरी कि एक्टर्स को या हमारी फील्ड को इतना अच्छा नहीं समझा जाता. इवन अगर आप घर ले रेंट पे लेने जा रहे हो तो वो कहते हैं एक्टर ये क्या कमाता होगा. मतलब दे आर नॉट श्योर अबाउट आवर बिजनेस. आप एक्टिंग तो करते हैं लेकिन उसके अलावा क्या. उसके अलावा क्या करते हैं. तो मुझे ये बताएं कि आपने जब प्रपोजल भी किया होगा शादी भी होगी तो कुछ ना कुछ रिश्तेदार तो करते ही होंगे ना कि एक्टर है कि करता है. नहीं 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 ये ऐसा नहीं था. लेकिन ये कि मेरी सास ने कहा कि देख लो कि यार ये खुश रह सकते हो तुम. भाई मिसाल के तौर पर एक फैमिली से बाहर आप एक शादी कर रहे हैं और एक शोबिज़ का लड़का है शहर से बाहर तो वो उनका अपना बिल्कुल राइट था है ठीक है. लेकिन ये कि वो वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत अच्छी होती थी और आज वही मेरी सास हैं जो कि जिसको आप क्या कहते हैं वारी वारी जाती हैं. आप खुद भी अच्छे हो. बात ये कि जब दिमाग अच्छा हो तो सास भी फिर प्यार ही करेंगी. कब रियलाइज हुआ था कि मोहब्बत हो गई है पता नहीं. ये चीजें तो वक्त थोड़ी ना होता कि एक हाँ अब हो गई. हाँ अब हुई मुलाकात की बात हुई थी. हाँ ये मैंने बात के दौरान बातों के दौरान ही मैंने चैटिंग में कह दिया था आई लव यू. हाँ नहीं तो नूर चैटिंग के बाद फोन पे आए होंगे ना. फोन के बाद फिर मुलाकात हुई. बात से मुराद के फोन या चैटिंग जो भी है मिले बगैर माशाल्लाह जी. ब्लाइंड लव इज ब्लाइंड ऑफ कोर्स. वो अच्छा मेरी वाइफ माशाल्लाह बहुत
यानी पढ़ने लिखने से शौक और बड़ा ये वो टीवी बहुत कम अच्छा वो भी अब बर्दाश्त कर लेती मेरी वैसे टीवी ड्रामे ये वो बर्दाश्त से मुराद क्या देखना शुरू किया शादी के बाद लेकिन ये कि पहले सिर्फ किताब और जॉब और ये वो लेकिन ये है कि जानती थी कि हाँ मीडिया से एक ताल्लुक है मेरा लेकिन ये कि इतना नहीं जानती थी लेकिन वो आहिस्ता 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 जानते जानते वो शक वगैरह तो नहीं करती यार महविश मिली हुई है और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल जैसा होना चाहिए ना तालीम भी बड़ी जरूरी है इस मामले में कि माशाल्लाह साथ साथ होती हैं शुरू शुरू में तो शूट्स पे साथ होती थी बड़ा हाँ जी देखूँ क्या है अच्छा ये वो अच्छा ठीक है अब माशाल्लाह खैर से बेटा हुआ तो अब वो इतना अब वो अपने अपने बच्चे रहती हैं हाँ आइए आपको उनकी थोड़ी सी अदाकारी की कुछ क्लिप्स दिखाते हैं मेरी अदाकारी के बड़े चेते आंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे फुल्ले सी मोचा करते कार जी पढ़ते सी नाल पिताई ओय उम्र यार नौकरी हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता भाई तो कुछ भी नहीं चुप रहो मैरिन मैं इन जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए हमारे घर से जेवर चुराने शुरू कर दिया की पोटियां बनाकर चील कबों को खिला दूंगा मैं उससे कत्ल कर दूंगा आपको चने ना चपाए ना तुम मेरे नाम विकास नहीं छोड़ूंगा नहीं उसे मैं किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूं बस एंग्री यंग मैन काफी गुस्से में लग रहा था ऐसे ऐसे करते हुए असली जिंदगी में कैसे अच्छा ये बड़ा अच्छा ये चल रहा है हमारा ये नहीं थी लेकिन असली जिंदगी में भी इतने गुस्सा आता है आपको बिल्कुल नहीं आता बिल्कुल नहीं आता लेकिन आता है तो बहुत बुरा आता है ओके महवेश आपको आता है गुस्सा मेरा भी यही है कि आई एम वेरी रिलैक्स्ड लेकिन जब आएगा तो फिर मैं नहीं देखती सामने कौन है चलें जी महवेश कभी जरा देखते हैं गुस्सा करती है नहीं करती आइए आपको दिखाइए सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है ना टोनी हाथ आया ना कोई शादी की बात कर रहा है मामू मैंने जो किया वो गद्दारी नहीं थी मासूमियत थी वरना अगर लड़की किसी के साथ भाग गई तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा अम्मा एक बार हिट तो हो जाने दे कोठी भी बन जाएगी मुझे बस अपना करियर बनाना है मैं इन सब चक्रों से दूर चले जाना चाहती हूँ मामू कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसी बातें करके मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा रहे खुशबू चुप ना हो अच्छा ये बताए ना इसमें कह रही थी शादी की बात हो गई थी तो शादी कब करनी है इसमें शादी की कब बात हो रही थी एक आपका डायलॉग था बीच में शादी भी हो जाएगी टोनी और शादी शादी का प्लान है दो तीन साल तक तो वैसे किस तरह की लड़का होगा आइडलाइज करेंगे या आप भी चैटिंग पे पसंद कर लेंगे मैं तो कभी नहीं कर सकती मैं तो कभी भी नहीं कर सकती इस तरह इतना बड़े बोलना बोलो अगर ऑनर आपने कह भी दिया तो फिर मतलब नहीं कितनी अनसर्टेनिटी स्पेशली एक लड़की की बड़ी इनसिक्योरिटीज आई एम श्योर उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी उनकी वाइफ को कि यू नो यू नेवर नो कि कैसा बंदा है क्या है सामने से अच्छा बंदा है सब पता चल जाता है अच्छा लेकिन चलो ये तो वो है हाँ एग्जैक्टली पता चल जाता है लेकिन ये बताएं कि आपको क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हस्बैंड में वही सेम कि गुड लुकिंग हो पैसे हो अमीर हो ये हो बहुत फिल्थी रिच भी ना हो बट ही शुड बी एवरेज एवरेज भी नहीं मिडिल क्लास आदमी से शादी ढाबे वाला बंदा चलेगा आपके नखरे नुखरे बना रहे ढाबे वाला बंदा चलेगा नहीं है ऐसे ही खुद रोटियां बनानी पड़ेंगी इतने प्यारे प्यारे हाथों से रोटियां बनानी है ऐसा होना चाहिए जो मुझे स्पॉइल कर सके मुझे एक प्रिंसेस की तरह रख सके मुझे यू नो एक बीवी शादी कर रहा है बच्चा पाल रहा है अभी तो मैंने ये नहीं कहा कि पैम्पर करे नन्ने नन्ने ख्वाब नन्ने नन्ने ख्वाब स्पॉइल करे ख्वाब जब नन्ने मुन्ने होंगे ना तो खत्म हो जाएंगे बट जो भी थोड़ी बहुत शादी का अरसा होता है आई थिंक
उसमें इंसान को आइडियल आई डोंट वांट अ वेरी गुड लुकिंग मैन, मतलब मुझे ये नहीं होता कि गोरा चिट्टा टाइप। चलें जी आपको ये कहूँगी अच्छी बात है, दैट्स सो स्वीट। एक जी गिफ्ट है मेरे लिए, मेरी वैसे जब सारी और जो पोस्ट आते हैं वो कहीं जब हम आए थे तो आपने गिफ्ट दिया था ये जी कलम मेटल की तरफ से बाय अनम यजदानी की तरफ से एक पेयर ऑफ एयरिंग है जो हम मैं आपको दे रही हूँ मैं तो बिफोर वी एंड द शो। बहुत अच्छी ज्वेलरी जो मैं पहनती हूँ हमेशा, ये वही डिज़ाइन करती हैं और आप सब लोग भी पार्क टॉवर्स में इनकी शॉप है, यू कैन गेट द इयररिंग्स एंड एवरीथिंग वेरी इजीली, ब्यूटीफुल। आप भी कामरान जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम, दैट इज़ बाय अनम यजदानी। और क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं विश यू वांटेड टू से समथिंग। आई वांट टू बिकॉज अभी मैंने थिएटर किया है एंड आई नो हाउ मच कितनी मेहनत लगती है थिएटर में, कितना आप 2 महीने से रोज़ दिन रात मेहनत कर रहे होते हो, रिहर्सल्स कर रहे होते हो। तो मैंने बॉम्बे ड्रीम्स किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और थिएटर की तरफ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट अब बढ़ चुका है। अब सब्स हो रहा है काफ़ी, 10 दिन हो गए हैं, 10-12 परफॉर्मेंसेज हो चुकी हैं। मैं इस्लामाबाद में थी, कल आई हूँ, मैंने कल सब्स देखा, आर्ट्स काउंसिल में लगा हुआ है, बहुत अच्छा प्ले है। नूर भी देख चुकी है, ऑसम है जी। awesome मैंने तो दूसरे दिन आगे कहा था कि यार आप प्लीज़ अगर लास्ट डे है, आज लास्ट डे है तो प्लीज़ जितने लोगों ने मिस किया है वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक मैसेज है उसमें, उसमें डांस है, उसमें कलर्स हैं। आर्ट काउंसिल में लगा हुआ है, आप टिकट्स आपको वहाँ पर भी अवेलेबल हो सकती हैं। इवन आप आई थिंक आगाज़ पे है, बट आपने देखा है कामरान, यू मस्ट गो टुनाइट, इट इज एन एक्सपीरियंस, बिलीव मी। नए बच्चे हैं और इतने टैलेंटेड हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मुझे जहां तक याद पड़ा शायद कुछ 4-5 शो में आए थे, बट यू मस्ट वॉच द शो, बिकॉज़ शायद मुइन अख्तर साहब को भी शायद ट्रिब्यूट जी थोड़ा था, एग्जैक्टली उन्होंने एक शो पूरा ट्रिब्यूट किया, बहुत यार वो इतना अच्छा उन्होंने किया, अल्लाह उनको मैं कहती हूँ इस तरह कामयाब, बिकॉज एक चीज उन्होंने बनाई, एक तो यंग टैलेंट है लेकिन उसमें आप वहां जाके वाकई रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं आखिर में तो आंसू आ जाते हैं। एंड पे डायलॉग बोले It was awesome. So आप जरूर देखें। आठ कमरा पे क्लोज हो जाते हैं डोर्स, तो उससे पहले आप टिकट्स ले सकते हैं और जा सकते हैं, जरूर आके देखें। कामरान आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी बड़ा शॉर्ट सा, बड़ा सिंपल, इसमें कोई तकरीर और तमीज बांधने की जरूरत नहीं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और ताकि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह करे आपको जिस तरह का आइडल चाहिए वो जरा जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए। जी जनाब ये था हमारा आज का शो। अगर आप चाहते हैं हिरा लारी की 8 अदद जोड़े हम लोग दे रहे हैं, लॉन की ड्रेसेस, अगर आप चाहते हैं आप विन करें तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, आज शाम 5 बजे तक आपके पास वक्त है। सवाल मैं आपको बता देती हूँ वही है कि जी कौन सी ऐसी रसूमात हैं जिनके बगैर शादी नहीं हो सकती, आप जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें और आप जीत जाएंगे हिरा लारी के ड्रेसेज। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू शो विद न्यू सेलिब्रिटीज़। अल्लाह हाफ़िज़।